हॉस्टल में छात्राओं के वीडियो बनाने के मामले की में चलते तीन की गिरफ्तारी की गई है। सफाई कर्मी के मोबाइल में कई अश्लील वीडियो मिले जिस पर यह कार्रवाई की गई। कानपुर से खबर, जहां हॉस्टल में छात्राओं के वीडियो बनाने के मामले में पुलिस के द्वारा तीन की गिरफ्तारी की गई है, जहां सफाई कर्मी के मोबाइल में कई अश्लील वीडियो बरामद किए गए। दहशतजदा छात्राओं ने छोड़ा काकादेव स्थित हॉस्टल। सफाई कर्मी ऋषि, संचालक मनोज पांडे और महिला वार्डन को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि आप तो एक खबर पहुंचा रहे हैं जहां मोबाइल में मिली है अश्लील वीडियो की पड़ताल, जहां पर अश्लील वीडियो की पड़ताल, ये जानकारी रावतपुर पुलिस से गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है, जहां पर सफाई कर्मी के मोबाइल से मिला अश्लील वीडियो। तो यह हॉस्टल का मामला है, कानपुर से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर हॉस्टल में छात्राओं के वीडियो बनाने का मामला सामने आया है, जहां सफाई कर्मी के मोबाइल में कई अश्लील वीडियो बरामद किए गए। तो आपको बता दें कि इस पर ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, ये जो मामला सामने आ रहा है जहां पर छात्राओं के अश्लील वीडियो पाए गए हैं, वो भी सफाई कर्मी के मोबाइल पे, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, एक बड़ा मामला है, क्योंकि साई हॉस्टल था यहाँ पर कई करीब 50 से 60 यहाँ पर छात्राएं रहती थी और यहाँ रहकर के पढ़ाई कर रही थी। करीब पिछले 3 दिनों से वहाँ की जो लड़कियां हैं उनको ये जानकारी हो रही थी कि सफाई कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं यहाँ का जो वीडियो है, वो जो दरवाजे हैं उन दरवाजों के जरिए वहाँ पे जो छोटे छोटे सिक्के होते थे उनसे वो वीडियो बना रहा है। उसको लेकर के जब लड़कियों ने वाकई उसको बारीकी से इसकी तरफ ध्यान दिया तो उसको जानकारी में आया कि वहाँ पर जाकर के सफाई कर्मचारी था और ये वहाँ पर जाकर के दरवाजे के जो सिक्के होते थे वहाँ से जो छात्राएं थी उनसे नहाते समय जो वीडियो बनाता था, उसको लेकर के लड़कियों ने इसको पकड़ करके इसको पुलिस को सौंपा था। और जब पुलिस ने इसके साथ जो वहाँ पर मोबाइल इसके बरामद किया, उसमें तमाम सारे कई अश्लील वीडियो मिले हैं, जिसको लेकर के जो छात्राओं का कहना है कि कहीं ना कहीं इसने उस छात्रा के अलावा और भी छात्राओं के वीडियो बनाए थे जिनको कहीं ना कहीं उसका एक गलत मिसयूज कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ की वार्डन थी और उसके अलावा जो संचालक था मनोज पांडे, उससे भी कई बार इन लड़कियों ने शिकायत की थी कि वहाँ पे इस तरीके की वो हरकत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उल्टा वापस जो छात्राएं थी उनको ही तमाम सारी बातें कह करके उनको वापस भेज दिया जाता, तो उसको लेकर के छात्राओं में काफी बड़ा आक्रोश था। जिसके बाद जब आक्रोशित छात्राओं ने रावतपुर पुलिस का घेराव किया, वहां पर जो पुलिस की कार्यशैली थी उस पर भी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद जब अधिकारियों के संज्ञान में मामला आया तब जाकर इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल जो सफाई कर्मचारी है और जो संचालक है और जो वहाँ के वार्डन है, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और जो उसके मोबाइल में जो तमाम सारे अश्लील वीडियो मिले हैं, इसके अलावा कई जो वीडियो थे उसने डिलीट भी कर दिया, तो उन सभी को रिकवर करने की बात कही जा रही है और उसको अभी जो तीनों लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और भी इस पूरे मामले की फिलहाल जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर है वो खुद निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा कि इसमें और भी जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक मामला ये भी आया था कि जो मकान था वो एक बुलंदशहर में तैनात एसपी का बताया जा रहा था, हालांकि जो एसपी है उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि उनका उस मकान से कोई लेना देना ही नहीं, या फिर उनकी नेम प्लेट वहाँ पर क्यों लगाई गई, इस बारे में इस मामले की भी जाँच के आदेश दिए गए। जी, पर सुनील जी, कहीं ना कहीं ये छात्राओं के सुरक्षा का भी लिहाज है, क्योंकि इस तरीके से हॉस्टल में रहते हुए इस तरह की घटना का सामने आना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, जो सवाल है वो कहीं ना कहीं कि आखिर जो जो छात्राएं हैं या जो उस तरीके के वहाँ पर जो हॉस्टल है वहाँ पर उनको रहने के लिए जो उनके परिवार के लोग हैं वो इसलिए सिर्फ छोड़ जाते हैं कि उनको वहाँ पर वो काफी सुरक्षित रहेंगे वहाँ पर, इसीलिए वार्डन की देखरेख में उनको बोल करके जाते हैं कि आप इस पर निगाह रखिएगा, लेकिन इस तरीके की हरकतें जब वार्डन से शिकायत करने के बाद वार्डन भी उनके ध्यान में तो कहीं ना कहीं ये जरूर शक जाता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके के जो कृत है उसमें कहीं ना कहीं वार्डन और संचालक अलग भी कहीं ना कहीं शामिल होते हैं, जिसके चलते ही अब जो छात्राएं हैं वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और यही कारण है कि ज्यादातर छात्राओं ने हॉस्टल को छोड़ दिया और जो जो छात्राएं वहां पर रह भी गई हैं उनके भी परिवार के लोग पहुंच रहे हैं, वो भी उन छात्राओं को वहां से ले जा रहे हैं, दूसरे हॉस्टल में उनको शिफ्ट कराया जा रहा है। तो सीधी सी बात एक चीज यही होती है कि कहीं ना कहीं जिनके भरोसे इनके जो माता पिता है वो यहाँ पर छोड़ करके गए थे, जो रक्षक थे उनको उनको उन पर से कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा उठ गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर
बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब जाकर ये कार्रवाई हुई है इसको लेकर। सुनील, आपके सुनील जी, आपकी अहम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये कानपुर से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक हॉस्टल का मामला सामने आया। हॉस्टल में छात्राओं के अश्लील वीडियो सफाई कर्मी के मोबाइल से बरामद किए गए।